हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस आप कुछ इस तरीके का न्यू लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको अपना काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ऐप ओपन करने के बाद ही आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 9x16 का साइज सिलेक्ट कर लेना है। 9x16 का साइज सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे आ जाना। एडिटिंग पे आने के बाद ही आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट ड्यूरेशन आपको यहाँ पे इसकी 2 पॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे 2 पॉइंट करने के बाद ही आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट पैनल जूम के ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको इसको फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद ही आपको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप जो भी अपनी पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी पिक ऐड कर ले रहा हूँ, तो आपको जितनी पिक ऐड करनी हो तो इस तरीके से अपनी सभी पिक को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। पिक ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद इस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो भी पिक सही से ऐड ना हो तो पिक के ऊपर क्लिक करना और पैन एंड जूम के ऑप्शन पे क्लिक करके इक्वल करके इस तरीके से आपको अपनी सभी पिक को सही से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी पिक को जल्दी से ऐड करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी सभी पिक को सही से ऐड कर दिया। सही से ऐड करने के बाद इस आपको करने क्या है, इन सभी पिक का आपको यहाँ पे पेगनेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से अपनी पिक के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पिक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस आपको नीचे पेगनेट के ऑप्शन पे जाके गाइस इस तरीके से आपको इन सभी पिक का वेगनेट ओपन कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पिक का वेगनेट ओपन कर दिया। वेगनेट ओपन करने के बाद इस आपको करने क्या है, इन पे आपको ट्रांजैक्शन ऐड कर देने हैं। ट्रांजैक्शन ऐड करने के लिए आपको इस वाले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे गेट मोर के ऑप्शन पे जाके आपको ये बुक का वर्म वाला ट्रांजैक्शन डाउनलोड कर लेना है और एक यहाँ पे स्टार शो वाला ट्रांजैक्शन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस आपको यहाँ पे दूसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से बुक वर्म पे जाके आपको यहाँ पे चौथे नंबर का सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे स्टार वाव पे जाके आपको यहाँ पे पहले नंबर का सिलेक्ट कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से बुक वर्म पे चले जाना और यहाँ पे छठवें नंबर का सिलेक्ट कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना और स्टार शो पे जाके चौथे नंबर का आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे फिर से अगले वाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से बुकवर्म पे जाके ये पहले नंबर का सिलेक्ट कर देना और फिर से अगले वाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और बुकवर्म पे जाके आपको यहाँ पे ये वाला चौथे नंबर का सिलेक्ट कर देना और फिर से अगले वाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार शो पे जाके तीसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना है। फिर से अगले वाइट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर से बुकवर्म पे जाके ये दूसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना है और फिर से अगले व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करके बुकवार्म पे जाना है और यहाँ पे चौथे नंबर का सिलेक्ट कर देना है। चौथे नंबर का सिलेक्ट करने के बाद सबकी लास्ट वाली पिक की लेंथ को छोटा कर लेना और यहाँ पे स्टार्टिंग वाली पिक की लेंथ को छोटा कर लेना और इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए सबके वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे 1080 रेशो सेलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ही लाइनिंग पूरी हो जाएगी तो गाइस आपका वीडियो इनके गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो वीडियो इनके सेव हो गया। सेव होने के बाद ही आपको यहाँ से हो जाना बैक। बैक होने के बाद ही आपको यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे 16x9 का साइज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे आना और यहाँ पे आपको डिफिकल्टी ड्यूरेशन यहाँ पे आपको फुल रहने देनी है, 4.4 ही रहने देनी है और यहाँ पे आपको नीचे फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी पिक पे जाके आपको यहाँ पे अपनी 3-4 पिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आप अपनी 3-4 पिक ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी 3-4 पिक ऐड कर लेनी है। 3-4 पिक ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको भी इन सभी पिक का आपको यहाँ पे इस तरीके से वेगनेट ओपन करना है और वेगनेट ओपन करने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली आपको स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस आपको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस आपको इस थ्री क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है और इसके ऑडियो के ऑप्शन पे जाना है। इसका ऑडियो आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद इस आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस आपको यहाँ से हो जाना बैक। बैक होने के बाद इस आपके इसके एडजस्टमेंट पे जाना और एडजस्टमेंट पे जाने के बाद इस आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन इस तरीके से बढ़ा देनी। बढ़ाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे कर देना टिक। टिक आने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना और लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे अपना ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना जो वीडियो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद इस आपको करने के इस तरीके से इसको हल्का सा जूम करके आपको यहाँ पे ऐड कर देना है और इस थ्रोड क्लिक करके इसको आपको सेंड बैक करके इस तरीके से इस फ्रेम के अंदर आपको अच्छे से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस आपको करने के इसकी क्रॉपिंग पे जाना और इसका मास्क इनेबल करके इसका फेदर कुछ इस तरीके से बढ़ा देना जिससे कि ये सही से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको करने के इस वाइट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार हुआ वाले ट्रांजेक्शन पे जाके चौथे नंबर के सिलेक्ट कर देना है और फिर से हम लोग व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बुक बार पे जाके दूसरे नंबर वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर देना है और फिर से हम लोग व्हाइट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से स्टार वो पे जाके आपको ये तीसरे नंबर का सिलेक्ट कर देना है। तीसरे नंबर का सिलेक्ट करने के बाद इस आपको करने के इस पहले पिक की लेंथ को हल्का छोटा करना है और इस बीच वाली पिक की लेंथ को हल्का बढ़ा देना है और इस वाली पिक की भी लेंथ को हल्का आपको इस तरीके से बढ़ा देना और लास्ट वाली पिक की लेंथ को हल्का सा आपको कम कर देना है। तो इस तरीके से गाइस देख सकते हो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है और लेयर पे क्लिक करना और इफेक्ट पे चले जाना है। आपको इफेक्ट पे जाने के बाद इस आपको बेसिक इफेक्ट पे जाना और यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट ले लेना है और इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करके इसको थ्रोड क्लिक करके इसको आपको सेंड बैक कर देना है और इसकी लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद इस आपको करने की स्टार्टिंग पे आना और लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद इस आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है और टेक्स्ट पे जाने के बाद इस आपको करने के यहाँ पे आप जो भी नेम लिखना चाहें इस तरीके से आपको यहाँ पे एक नेम को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक नेम ऐड कर दिया। नेम ऐड करने के बाद इस आपको यहाँ पे करना है टिक। टिक करने के बाद इस आपको इस तरीके से जूम कर लेना और इसके फॉन्ट पे जाके आपको यहाँ पे ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर देना और ये फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे नीचे इसका आउटलाइन और ग्लो ओपन कर देना है। तो इस तरीके से ओपन करने के बाद इस आपको यहाँ पे करना है टिक और इसकी लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद इस आपको करने के इस थ्रोड क्लिक करके इसको सेंड बैक करके आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस आपको करने के इस वाली ब्लर इफेक्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है और इस थ्रोड पे क्लिक करके इसको भी आपको सेंड बैक कर देना है और यहाँ पर लास्ट पे आके इस टेम्पलेट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। कैंची का ऑप्शन में क्लिक करके टिमटा डुप्लीकेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद सबको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद सबको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना। मीडिया पे जाने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको यहाँ पे ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर PNG का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस आपको थ्रोड क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है और इसकी लेंथ को आपको लास्ट तक ले जाना है। लेंथ लास्ट तक ले जाने के बाद इस आपको करने की स्टार्टिंग पे आ जाना और स्टार्टिंग पे आने के बाद इस आपको करने के सिंपली आपको इस पर एक ऑडियो ऐड कर लेना है। ऑडियो ऐड करने के लिए सबको ऑडियो के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको कोई भी एक ऑडियो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद इस आपको इसके लास्ट का ऑप्शन पे आ जाना और इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करके कैंची का ऑप्शन में क्लिक करना है। टिम टू ऑडियो प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं वीडियो बनके कंप्लीट ही तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं वीडियो काफी कमाल का बन गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो शेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे 1080 रेसिपी सेलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है।